आज के व्याख्यान का मेरा विषय है अनुसंधान और अनुसंधान के विभिन्न स्वरूप या प्रकार। अनुसंधान का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज की खोज करना, किसी भी वस्तु की खोज करना, किसी भी घटना की खोज करना। अंग्रेजी में अनुसंधान को इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च कहते हैं। हिंदी में अनुसंधान का पर्यायवाची शब्द है शोध या खोज। हम जानते हैं कि ये मानव का स्वभाव है कि वह अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहता है। उसके चारों ओर प्रत्येक पल अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, और वह उन घटनाओं को समझना चाहता है क्योंकि जहां कुछ घटनाएं उसके लिए कल्याणकारी होती हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ घटनाएं समस्यामूलक होती हैं, समस्या के रूप में होती हैं। समस्यामूलक घटनाएं मानव को कुछ समय के लिए परेशान करती हैं, तोड़ती हैं, और इन घटनाओं के घटित होने पर मानव न केवल डरता है अपितु वह यह भी चाहता है कि उन घटनाओं के कारणों को ज्ञात करे, उनके परिणामों से परिचित हो और उन घटनाओं पर नियंत्रण रख सके। और घटनाओं पर नियंत्रण रख करके वह स्वयं को आगामी जीवन के लिए वो तैयार कर सके, अपने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो ये मानव का स्वभाव होता है। अनुसंधान एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इट इज अ वाइड टर्म। अनुसंधान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे मानव को आवश्यकताएं पड़ती हैं उसी के अनुरूप वह आविष्कार करता रहता है, चीजों की खोज करता रहता है। और इन सबके पीछे उसका एक ही उद्देश्य है, वह यह है कि उसका अपना जीवन सुगम, सरल और आसान हो, उसे अधिक से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त हों और जीवन में खुशहाली हो। वह अपने जीवन को भी खुशहाल बनाना चाहता है, वह अपने पर्यावरण को भी अच्छा देखना चाहता है। तो इस सब के लिए एक अनुसंधान ही बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा एक मास्टर की है। जब हम इस शब्द अनुसंधान या शोध की समीक्षा समाजशास्त्रीय संदर्भ में करते हैं, सामाजिक संदर्भ में करते हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि समाज वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक घटनाओं की खोज। जब एक समाज वैज्ञानिक, जब एक अनुसंधानकर्ता, जब एक शोधकर्ता समाज में घटित होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है तो उसी को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इस व्याख्यान में मैं केवल प्रमुख रूप से अनुसंधान के जो प्रकार हैं उनको सम्मिलित करूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की अनुसंधान का क्या अर्थ है। मैंने कम से कम शब्दों में अनुसंधान के अर्थ को यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को अनुसंधान कहते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु, इस संक्षिप्त वाक्य में केवल कुछ शब्दों का प्रयोग है, परंतु इसमें अनुसंधान के बारे में बहुत कुछ आ गया है। जैसे अनुसंधान कार्य अर्थात खोज,
अर्थात छोड़ कर नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इतने शब्दों में अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट होता है। किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। ये नवीन ज्ञान नेचुरल फिनोमेना के बारे में हो सकता है, ये नवीन ज्ञान सोशल फिनोमेना के बारे में हो सकता है। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु जो व्यवस्थित प्रयत्न किया जाता है, जो सिस्टमैटिक एफर्ट्स किए जाते हैं, उन्हीं को हम अनुसंधान कहते हैं। अब हम ये तो बात थी एक लेमैन को समझाने के लिए कि किसी भी चीज की खोज करना, किसी भी प्रकार का नवीन ज्ञान प्राप्त करना वो अनुसंधान है। अब हम इसी चीज को सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में इसकी समीक्षा करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे चारों ओर प्रत्येक पल अनेकों सामाजिक घटनाएं घटित होती रहती हैं और वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा ऐसा समूह है जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, वो उनका अध्ययन करते रहते हैं। उन घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो एक व्यवस्थित प्रयत्न करते हैं। ये व्यवस्थित प्रयत्न क्या है, मैं इसको पहले यहां क्लियर करूंगा। व्यवस्थित प्रयत्न से तात्पर्य है कि जब एक समाज वैज्ञानिक किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो घटना के चुनाव के बाद या घटना के किसी विशेष पहलू के चुनाव के बाद वह सबसे पहले घटना की पृष्ठभूमि में जाने के लिए घटना से संबंधित जो साहित्य है, जो पुस्तकों में, जर्नल्स में, थीसिस में, पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में जो उपलब्ध है, उस साहित्य का अध्ययन करता है और इस साहित्य के अध्ययन के परिणामस्वरूप वह घटना की पृष्ठभूमि से परिचित होता है। संबंधित साहित्य के अध्ययन के बाद वह प्राकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। प्राकल्पना मीन्स अनुसंधान के बारे में उसके मस्तिष्क में आने वाला पूर्व विचार, और प्राकल्पना के अंतर्गत वह सबसे पहले कल्पना करता है अध्ययन क्षेत्र की। अध्ययन क्षेत्र वो सबसे अच्छा है जहां घटना का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करता है वो। अध्ययन क्षेत्र ऐसा हो जहां उसकी पहुंच संभव हो। उसके बाद सूचनादाताओं की संख्या का निर्धारण करता है सैंपलिंग मेथड से कि कितने लोगों का अध्ययन करेगा, और उस अध्ययन हेतु वह सैंपलिंग का कौन सा तरीका, कौन सी नीति अपनाएगा। क्या उसके सूचनादाताओं का चुनाव रैंडम सैंपलिंग से होगा या कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से होगा, तो इसका वह निर्धारण करता है। उसके बाद डाटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं जिससे कि उसे प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने हैं, उन प्रविधियों का निर्धारण करेगा। प्रविधि का पूर्व परीक्षण करता है कि प्रविधि से तथ्य प्राप्त हो भी पा रहे हैं अथवा नहीं हो पा रहे हैं, और उसके बाद घटना के अवलोकन के बाद वह सूचनादाताओं की सहायता से अध्ययन के संबंध में, घटना के अध्ययन के संबंध में, घटना के बारे में अधिक से अधिक तथ्य संकलित करता है। तथ्यों के संकलन के बाद वह तथ्यों का वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण के बाद तथ्यों का
वह सारणीय करता है, अर्थात सारणी के माध्यम से तथ्यों को प्रस्तुत करता है। और तथ्यों को सारणी के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद तथ्यों का विश्लेषण और उनकी विवेचना करता है। इसके बाद वह घटना के बारे में सामान्यीकरण करता है, और इतना ही नहीं, फिर अगर उसकी प्रकल्पना सत्य सिद्ध होती है तो फिर वह सिद्धांतों का निर्माण करता है, थ्योरीज और कंसेप्ट्स का निर्माण करता है। ये व्यवस्थित प्रयत्न है। अब हम बात करेंगे अनुसंधान के प्रकार। इस व्याख्यान में मेरा उद्देश्य केवल अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का परिचय देने का है कि अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। व्यापक स्तर पर हम बात करें तो अनुसंधान दो प्रकार का हो सकता है, परिमाणात्मक अनुसंधान अर्थात क्वांटिटेटिव रिसर्च, और गुणात्मक अनुसंधान अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये हम पहले दो अनुसंधान, पूरे अनुसंधान को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और इन दोनों ही अनुसंधान के अंतर्गत, ये दोनों ही प्रकार का अनुसंधान, कई इसके कई स्वरूप होते हैं। ये स्वरूप जो है मैं केवल नाम से ही परिचित कराऊंगा, मेरे अगले व्याख्यान प्रत्येक विषय पर केंद्रित होंगे। अनुसंधान का पहला प्रकार है मौलिक, विशुद्ध अथवा आधारभूत अनुसंधान। दूसरा है व्यावहारिक अनुसंधान, तीसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान, चौथा जो प्रकार है, चौथी रीति अनुसंधान की, वह है आनुभविक अनुसंधान पद्धति, पांचवा जो स्वरूप है वर्णनात्मक अनुसंधान, इसके बाद खोजी अथवा अन्वेषणात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, और आठवां है परीक्षणात्मक अनुसंधान। इंग्लिश ट्रांसलेशन इनका है मौलिक, विशुद्ध और आधारभूत अनुसंधान को हम बेसिक रिसर्च या बेसिक रिसर्च मेथड या प्योर रिसर्च और प्योर रिसर्च मेथड कहते हैं। व्यावहारिक अनुसंधान को हम हिंदी में, इसको व्यावहारिक अनुसंधान है तो अंग्रेजी में इसको हम एप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च, आनुभविक अनुसंधान अर्थात एम्पिरिकल रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान को अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, और खोजी अथवा अन्वेषणात्मक अनुसंधान को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, व्याख्यात्मक अनुसंधान को एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं, और परीक्षणात्मक अर्थात प्रयोगात्मक अनुसंधान को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो इनसे मैंने इस व्याख्यान के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया कि अनुसंधान क्या होता है, और ये बताने का प्रयास किया कि अनुसंधान का तात्पर्य किसी भी चीज, किसी भी घटना के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास, व्यवस्थित प्रयत्न है, यह अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञात करना, उनका अध्ययन करना, सामाजिक घटनाओं का पता लगाना, उन घटनाओं के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को पता लगाना, और उन घटनाओं के क्या क्या परिणाम हैं, उन परिणामों को ज्ञात करना, और कारण और परिणामों की समीक्षा करना, और इस प्रकार से घटना का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, घटना को समझना इस प्रकार से कि घटना को नियंत्रित किया जा सके, और नियंत्रित ही नहीं और
स्वयं के जीवन को, समाज में रहने वाले सभी लोगों के जीवन को अच्छा और सुचारू, सुगम, सरल, आरामदायक बनाया जा सके और लोगों के जीवन में खुशहाली लाई जा सके और समाज को अच्छा बनाया जा सके।